नमस्कार दोस्तों, अनुमान है कि चने की कीमतें आने वाले दिनों में एक लोअर लिमिटेड रेंज में घूमती रह सकती है। इसी के साथ चने की स्विंग अभी तक 8-9% की गिरावट के साथ देखी जा रही है। अब ऐसा क्यों? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं चने बाजार में चल रही मौजूदा स्थिति को और आगे चल के क्या चने की कीमतें लिमिटेड रेंज में बनी रह सकती है। दोस्तों, चने की कीमतें पिछले हफ्ते मेजर डोमेस्टिक मार्केट में गिरती हुई दिखी है। इंदौर में चने की कीमतों में 50 रुपए पर क्विंटल की गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में राजस्थान लाइन का चना 250 रुपए से टूटा है। दिल्ली में कीमतें पिछले हफ्ते सोमवार को जहां 6075 से 6100 की रेंज में बनी थी, शनिवार आते आते ही 5850 की रेंज में जा पहुंची है। चलिए अब चने की कीमतों में गिरावटों के कारणों को समझते हैं। सबसे पहले मिलर्स की बाइंग एक्टिविटीज में कमजोरी रही। दूसरा, चना दाल और बेसन की डिमांड में भी सुस्ती रही। तीसरा, प्राइवेट ट्रेडर्स ने चने को रिड्यूस रेट में रीसेल किया है और वहीं नाफेड द्वारा भारत चना दाल के चलते मिलर्स की डिमांड में भी गिरावट दिखी है। अब इसी के साथ सरकार ने जो पीली मटर की इंपोर्ट को फ्री किया था, उसके चलते लिथुआनिया और कनाडा से स्मॉलर शिपमेंट्स कोलकाता और मुंबई के पोर्ट्स पे पहुंचे हैं, जिससे चने की कीमतों में एक और प्रेशर बना है। चने स्विंग की बात करूं तो अभी तक के डाटा के हिसाब से चने की स्विंग दिसंबर 2023 में 8.3% से कम हुई है, जो कि पिछले दिसंबर 2022 के मुकाबले है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को हटा दूं तो सभी मेजर प्रोड्यूसिंग चने स्टेट्स में एक गिरावट देखी जा रही है। अगर चने मार्केट के आउटलुक की बात करूं तो अब यहां से आगे कीमतें नैरो रेंज में बनने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। हालांकि कर्नाटका और महाराष्ट्र में चने की नई अराइवल्स शायद मार्केट सेंटीमेंट्स को कुछ पॉजिटिव कर पाए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर आगामी मौसम और पीले मटर की ओवरसीज सप्लाई और प्राइसेस में भी रहेगी, जिससे मार्केट का अपकमिंग ट्रेंड ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो चने बाजार पर नजर बनाए रखें और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और डाउनलोड कर लीजिए हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।